खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में बड़ा हादसा होते होते बच गया। तीर्थ नगरी में नर्मदा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की जान जोखिम में बनाई। दरअसल ओंकारेश्वर बांध परियोजना से बिजली उत्पादन हेतु बांध के देखरेख कर रही कंपनी NHDC ने नदी में पानी छोड़ दिया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। एकाएक तेज बहाव में नर्मदा में स्नान कर रहा एक दल चट्टानों पर जाकर फंस गया, जिनकी जान जोखिम में बनाई, जिन्हें स्थानीय तैराकों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह नदी के बीच एक चट्टान पर एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, वहां सायरन की आवाज नहीं सुनाई देती है। एकाएक तेज बहाव की वजह से चट्टान पर श्रद्धालु एक घंटे तक फंसे रहे। इसकी सूचना मिलते ही बांध से चल रही टरबाइन से निकलने वाले पानी के बहाव को कम करवाया और फिर स्थानीय नाविकों की मदद से श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। अभी कुछ देर पहले की ही यहाँ पर जो एक इंसिडेंट हुआ, जानकारी मिली कि पानी टूटने की वजह से कुछ लोग जो पहले अंदर नर्मदा जी में नहाने के लिए गए थे चट्टानों पर, पानी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमारे यहाँ के जो नाविक संघ के लोग हैं और होमगार्ड की टीम जो थी, इन लोगों ने तत्काल ही बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए अपनी नावों को उनके बैक साइड में ले जाकर नावों को अड़ाया, और क्योंकि पानी का बहाव तेज था, उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी तत्परता से करीब 12-13 जो यहाँ पे श्रद्धालु आए थे स्नान के लिए, उनको बड़ी बहादुरी से उनको निकाल कर उनको बचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के 14 और अन्य 17 लोगों को नर्मदा के घाटों पर तैनात सुरक्षाकर्मी एवं नाविकों ने बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं के लिए संदेश दिया। नाते नाते अंदर निकल गए थे बीच नदी में, तभी इधर पानी नहीं देखा, इधर पानी आ गया, फिर वहां से निकले, निकलते पानी तेज हो गया, निकलाया नहीं, फिर नाव वाले आए, फिर एक बाबू था बारीक वो छोटा, वो आया ना, वो कूदा वहाँ पे, फिर नाव वाला आया, फिर उनने बचा, फिर वो निकाल के लाए। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे तो बहुत सारे थे। कैसे क्या अचानक से पानी बढ़ा? पानी बढ़ गया। फिर कैसे क्या आपका रेस्क्यू हुआ वहाँ से? वहाँ पे हम खड़े रहिए, पत्थर के ऊपर थे बीच में, पानी आया पत्थर के ऊपर बीच में खड़े रहिए, फिर नाव वाले आए, नाव वाले ने रस्सी फेंकी, 2-3 नाव इधर से लगी उधर से लगी, उनने बचाया, वो लेके आए आखिरी तक इधर। वो वहाँ पे करीब 15-20 लोग फंस गए थे बीच में, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे देख रहे थे, नाव बंद का सुना था तो घाट पे बैठे हुए थे, और फिर अचानक आवाज आई बचाओ बचाओ की, तो फिर हम लोगों ने देखा तो हम 8-10 लोगों के साथ में गए, उनको 2 बार में बचाया उनको, 1 बार में 11 को, 1 बार में 7-8 को बचा के लेके आए उनको। बचाव कार्य में? बचाव कार्य में हमारी नाव में तो थे महेश केवट, प्रकाश केवट, ये हेमंत केवट था, ये गनू, ये पूर्व पार्षद का लड़का था, अश्विन केवट था, बस हम भी थे। वो सब पानी कम था वहाँ पे, नहा धो रहे थे और अचानक डैम से पानी छूटा और वो लोग बीच में फंस गए, धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा, वो लोग ऊपर ऊपर चट्टान पे चढ़ते गए, उसके बाद में पूरा सारा खत्म हो गया, बोट जाने का भी रास्ता बंद हो गया वहाँ पे, लोगों ने देखा फिर उनको बचाने गए। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।